मेरे पास ऐसे और भी ईमेल आईडी हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल मेरे पास दो ईमेल आईडी है। इन दोनों पे मुझे एक फाइल जो गूगल ड्राइव में पड़ा है उसको मुझे भेजना है। तो चलिए इसके लिए हम प्रोग्राम लिखते हैं और भेजते हैं। एक मॉड्यूल इंसर्ट करेंगे, सब्जेक्ट देते हैं और अब आर में देते हैं, सेंड मेल करते हैं ना, सेंड मेल। अब यहाँ पे सबसे पहले तो मुझे वेरिएबल बनाना पड़ेगा कि दिन, एक आउट ऐप मतलब कि आउटलुक एप्लीकेशन या फिर ऐप कर देता हूँ, ऐप एज ए ऑब्जेक्ट, मेल एज ए ऑब्जेक्ट, दो हमने बना लिया। और फिर हम देते हैं यहाँ पे सेट इक्वल टू क्रिएट ऑब्जेक्ट, और उसमें यहाँ ध्यान रखिएगा स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, आउट लुक डॉट एप्लीकेशन। क्लोज कर दिया। तो हमने क्या किया, ऐप के ऊपर जो ऐप हमारा, इस ऐप के ऊपर हमने आउटलुक एप्लीकेशन को, आउटलुक एप्लीकेशन को हमने कॉन्फ़िगर कर दिया, मतलब कि आउटलुक को असाइन कर दिया। अब वो आउटलुक उस पे ओपन हो जाएगा। आउटलुक है उसके ऊपर ओपन हो जाएगा हमारा। उसके बाद हमने आउटलुक तो ओपन कर लिया, मुझे नया मेल जनरेट करना होगा, तो सेंड सेट मेल इक्वल टू, और यहां पे हम करेंगे ऐप डॉट क्रिएट आइटम। अब इसमें सिलेक्शन नहीं आता है क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट लिया हुआ है जी। अब बोलेंगे क्या है, क्रिएट आइटम में CREATE ITEM। तो ये क्या है कि हमने इसके जरिए हमने आउटलुक को ओपन किया है, और दूसरा लाइन इसके जरिए हमने क्या किया है, हमने एक नया मेल को कंजे एक किया है, मतलब कि कंपोज किया है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा हमेशा। अब हमने मेल ध्यान रख लिया, अब बात होती है कि इसमें मेल आईडी को कन्फिगर करना। जी हाँ, मेल आईडी को कन्फिगर करना था। पहले मुझे दो मेल भेज गए हैं, तो इसको हम लूप में लगा देता हूँ कि 4i इक्वल टू चले और 2 मेल डॉट 2, और 2 में हम ईमेल आईडी देते हैं रेंज बी, के साथ हमने कंकेटनेट कर दिया आई डॉट वैल्यू। पर 2cc अगर रखना है तो ठीक है, अगर ब्लैंक भी कर सकते हैं या फिर यहां देने की जरूरत भी नहीं है। डॉट bcc देना है तो दीजिए, नहीं तो यहां पे ब्लैंक रखिए या फिर देने की भी जरूरत नहीं है। डॉट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मान लीजिए फिक्स है आपका, तो इनको में दे दीजिए। अगर फिक्स नहीं है तो आपके यहाँ जो सीट है उस सीट पे यहाँ तीसरा कॉलम आप सब्जेक्ट का बना लीजिए, और जैसे मैं मेल आईडी उठाया है रेंज और आई को कंबाइन करके, वैसे आप इसको सब्जेक्ट को भी उठा सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं अटैचमेंट, नहीं बॉडी, माफ कीजिए बॉडी कर लेते हैं, बॉडी मतलब कि मेल बॉडी में लिखा होता है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया हाय, और हाय में स्पेस दे देता हूँ, और यहां पे हमने एन परसेंट लगाया, और ये आपका जो है इस एन की जगह पे ये नाम हो गया। उसके बाद हम इसमें क्या करते हैं, एन परसेंट में हम यहां पे कॉमा लगा देते हैं। ये आपका हो गया पहला लाइन, मैंने पहला लाइन इस तरह से दिखाएगा हाय सुजीत, इस तरह से लिखा हुआ है और कॉमा आएगा, इस तरह से मेल बॉडी पे लिखा हुआ है। अब मैं इसमें एक ब्रेक करके कुछ और लिखना चाहता हूँ,
तो एम परसेंट लगाया और हमने लिख दिया वी वी न्यू लाइन, एक लाइन के लिए। और फिर यहाँ पे कहते हैं प्लीज फाइंड ये आ जाएगा। उसके बाद फिर एक नया लिख देगा, फिर मुझे एक नया लाइन चाहिए तो ऐड वापस यहाँ पे वी वी न्यू लाइन यहाँ पे दे देंगे रिगार्ड्स, वापस एक और ऐड करेंगे फिर वी वी न्यू लाइन यहाँ पे मेरा नाम यहाँ एन परसेंट लगेगा और मेरा नाम हो जाएगा सुजीत। या फिर किसी सेल पे सेम फॉर्मेट पर लिख ले और उस सेल को कॉल कर ले, ऐसा भी हो सकता है, बट ऐसे भी आप यहां पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से लिखेगा यहां पे, ये लिख देगा ए बी वी न्यू लाइन, क्या करेगा एंटर मारेगा, दूसरे लाइन में ए आएगा, तीसरे लाइन में रिगार्ड आएगा, चौथे लाइन में ये आएगा आपका लिखा हुआ आएगा। फिर उसके बाद यहां पे अगला आता है अटैचमेंट, तो यहाँ पे हम अटैचमेंट करते हैं ए डबल टी ए सी एच एम ई एन टी एस। स्पेलिंग गड़बड़ हो तो बता दीजिएगा, मुझे स्पेलिंग भूलने की आदत है। ऐड और यहाँ पे स्पेस देके आप इस फाइल का पाथ ले लीजिए पूरा का पूरा डी डी का। तो यहाँ पे आते हैं डी डी डॉट क्या इसका एक्सटेंशन क्या है पहले देख लेता हूँ मैं, एम है नहीं एक्सलेस एक्स है, जी हाँ एक्सलेस एक्स है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ से भी ले सकता हूँ या ऊपर से भी ले सकता हूँ, ऊपर से हमने ले लिया पाथ को, यहाँ पे हमने इसको पेस्ट किया स्लैश डी डॉट एक्सलेस एक्स हो गया। तो लास्ट में आप सेंड जरूर कीजिएगा सेंड, फिर यहाँ पे एंड विथ मैं इसको एक बार एज ए ट्रायल रन करके देखता हूं कि एरर तो नहीं आता है। हाँ एरर आया, मुझे अंदाजा था कि एरर आएगा। क्या है एक भेज दिया क्या आई कमान देखते क्या है? सर आई को डबल कोट्स में नहीं डाला ना, बी को तो डाल दिया आपने। नहीं आई नहीं डबल कोट्स में डालेगा, इसका रीजन है कि हमने इसको लूप से बाहर किया हुआ है, इसको भी लूप रखना होगा। सर आई को डिफाइन नहीं किया हमने ऊपर, यानी इसमें हमें यहां रुक जाइए नेक्स्ट क्या होगा सेट अलग चीज है, अलग मेथड है मेल इक्वल टू Nothing. एक बार हमने भर दिया तो हम वापस उसको खाली भी तो करना पड़ेगा ना, तब तो दूसरा रिप्लेस करेगा। मैटर यहाँ पे ये था, एक मेल उसने भेज दिया है, अगर मैं आउटलुक में जाके देखूंगा तो इसने यहाँ पे सेंड आइटम जाके देखिए एक मेल डेटा के नाम से भेज चुका है, यहाँ दिख रहा है आपको सर। दूसरा में हमने इसको क्लीन नहीं किया, इस पर क्लीन करता हूँ फिर देखता हूँ क्या है, दोबारा भेजता हूँ ऑब्जेक्ट ब्लॉक बिगड़ गया। ओके मुझे इसको भी रखना पड़ेगा, इसमें दिक्कत होता है कौन से ऑब्जेक्ट को, समझना होता है आपको कि कौन से ऑब्जेक्ट को मेल में इसमें रखना है, मतलब कि लूप में रखना है किसी को लूप में नहीं रखना है। दोनों पर रखना पड़ेगा, अलग अलग सिस्टम पे अलग अलग हो सकता है।
आ जा नीड टू हू सेंड दिस टू रिड्यूस योर कॉम्प्लेंस वन मील मैं नहीं लेके गया मैं तो फोन में मेरे पास वाला भैया एक मिनट म्यूट कर लीजिए प्लीज लाइनों को लक्की में छुपा के रख दिया है कोई नहीं इसमें एरर ये नहीं दे रहा है इसमें एरर दे रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे दिया हुआ है 2 to 4 एक मिनट सर आई एज इंटीजर 2 to 3 ही होगा ना 4 में तो कुछ है ही नहीं सर अब मैसेज को आपने सही ढंग से पढ़ा नहीं मैसेज क्या देखिए मैसेज ये कह रहा है कि वी नीड नो हु सेंड दिस टू मेक श्योर एंटर एटलीस्ट वन नेम राइट हम नहीं पढ़ रहे थे सही से क्या है कि हमने जो मेल भेजा हमने यहाँ पे लूप लगाया है 2 to 4 बट हमारा डेटा तो 2 to 3 है ना सर चौथा तो ब्लैंक है समझे तो इसलिए एरर दे रहा है तो मुझे यहाँ पे लूप को 3 करना है और ये मेल जा चुका है आप देखेंगे आउटलुक में तो ये मेल भेजा जा चुका है देखिए आईपीटी इंडिया को भेज दिया और आईपीटी दिल्ली को भी भेज दिया हमने यहाँ पे बट सेम एड्रेस में सर मीन्स जितने ईमेल आईडी रहेगा उतना नंबर काउंटिंग आएगा जी आपने जो ब्लैंक सिर्फ सही सी बात है ना कि आपको यहाँ पे 2 में तो कुछ कोई ना कोई देना ही पड़ेगा ना आपको नहीं नहीं जो फॉर आई इज इक्वल टू 2 to 2 जो नंबर आएगा सपोज मेरा 100 है 102 है तो एंडिंग नंबर रहेगा वो उसका काउंट रहेगा वो हेलो हाँ जी हाँ I का जरा एक्सप्लेन कर दो ना वापस I इज इक्वल टू जैसे कि आपको कितना बार मेल भेजना है इसमें अगर I नहीं लगाओगे तो एक बार में एक ही भेजेगा ना तो ओके okay. लगाने का पर्पस यही था कि हमें कितना मेल भेजना जितना हमारा डेटा है उतना मेल भेजना है ना वो सर तो डेटा लेकिन 2 से स्टार्ट और 3 पे खत्म है लेकिन क्या हो रहा है हमारा दे देते हैं अगर हम ज्यादा दे देते हैं तो ब्लैंक आएगा और ब्लैंक मेल तो भेजेगा नहीं कोई रिसिपिएंट तो चाहिए ओके लेकिन क्या हो रहा है मतलब मैं हर दिन मेरा 100 ईमेल रहते हैं कभी 50 रहते हैं कभी 200 रहते हैं उसके लिए आपको इसको ऑटोमेट करना पड़ेगा यहाँ पे देना पड़ेगा कि रेंज 65,000 डॉट एन एक्स दिस आप डॉट रो समझे तो अभी आपका बढ़ जाता है जैसे मान लीजिए मैंने एक यहाँ डाल दिया मैं ओम डाल दिया और यहाँ पे ओम यहाँ पे हमने ओम एट द रेट abc.com कर देता हूँ ऐसे कमी डाल दिया मैंने तो अब जो है देखिए मैं इसको रन कीजिए चला गया ठीक है सर दिख रहा है आपको इसमें शेड्यूल कर सकते हैं हम मेल को ये टाइम को भेजना है शेड्यूल आपको यहाँ पे नहीं करना होता शेड्यूल आपको आउटलुक फिर एक्सेस करना पड़ेगा ओके या फिर इसमें ये लगाना पड़ेगा शेड्यूल टास्क लगाना पड़ेगा उसके बारे में बाद में डिस्कस करते हैं अब यहाँ पे ध्यान से देखिए हमने जो एप्लीकेशन को क्रिएट किया था उसको हमने लूप के अंदर में नहीं रखा था ध्यान से एक चीज ध्यान दीजिए कि मुझे भी ये देखिए 3 बार एरर दे दिया था ना सर ओके तो आप जो है कभी भी जो क्रिएट करेंगे उसको मत रखिएगा लूप में लेकिन जो मेल क्रिएट कर रहे हैं उसको आपको लूप में रखना है या फिर उसको भी आप नहीं रखेंगे काम चलेगा एक बार देखता हूँ मैं यहाँ हम तो आपको रखना पड़ेगा तो इसमें दिक्कत क्या है दिक्कत यह है कि आपकी जो मेल जनरेट हो रही है मेल क्रिएट हो रही है क्योंकि आपको जितना इंडिविजुअली मेल भेजना है ना सर ऐसा तो नहीं कि आप अटैच करके एक साथ भेज रहे हो एक एक मेल तो आपको हर बार नया मेल को क्रिएट करना पड़ेगा इसलिए इसको लूप में रखना पड़ेगा और नीचे आपने जो क्रिएट किया है उसको नथिंग करना पड़ेगा नथिंग करने से क्या होगा ये जो भी इंफॉर्मेशन डली है वो आपके मेल वाले ऑब्जेक्ट से क्लियर हो जाएगा ओके सर ओके सर क्लियर है सर ये जो
सेट ऐप करके डाला है ना, ये फर्स्ट टाइम आपने डाला, इसके पहले नहीं कभी डाला है, तो क्या एक्चुअली क्या है आउटलुक ऑटोमेटिक ओपन होता है क्या? मैंने दो वेरिएबल्स डिक्लेयर किए, क्योंकि आउटलुक जो है हमारा अदर ऑब्जेक्ट है, मतलब एक्सेल से बाहर की चीज है, इसलिए हमने ऑब्जेक्ट दो ऑब्जेक्ट डिफाइन किए, और इस पे पहले पे हमने सेट कर लिया कि ऐप जो है वो आउटलुक एप्लीकेशन है, तो क्या करेगा एक आउटलुक एप्लीकेशन को क्रिएट कर देगा बैकएंड में, मतलब कि आउटलुक को ओपन कर देगा, समझ जाइए ना, बैकएंड में, मतलब कि फ्रंट में नहीं, बैकएंड में आउटलुक को ओपन कर देगा। और फिर दूसरा जो हमने यहाँ पे सेट किया कि सेट मेल ऐप डॉट क्रिएट आइटम जीरो, मतलब कि ये जो ऐप है हमारा, जो मतलब हमारा जो आउटलुक एप्लीकेशन है, उसमें हमने ये एक मेल क्रिएट किया है, क्योंकि आप सिर्फ मेल ही नहीं, आप अगर यहाँ पे न्यू आइटम पे जाते हैं तो बहुत सारे ईमेल मैसेज है, तो जीरो हो गया, अपॉइंटमेंट वन हो गया, ऐसे मीटिंग टू हो गया, ये बहुत टास्क हो गया, तो आपको क्या क्रिएट करना है, तो डिफॉल्ट इसका न्यू ईमेल जीरो होता है, इसलिए हमने नंबर्स यहाँ पे जीरो डाला हुआ है, राइट। और फिर उसके ऊपर हमने टू बीसीसी अपने डिटेल्स को ऐड कर दिया, और फिर हमने उसको सेंड कर दिया, डॉट सेंड तो सेंड कर दिया, उसके बाद जो डिटेल्स डली हुई थी उसको हमने खाली कर दिया, ताकि नई डिटेल्स डल सके, क्योंकि हमने लूप भी यूज किया, अगर आप लूप यूज नहीं कर रहे हो, बस एक ही किसी को मेल भेज रहे हो, तो आपको ये नथिंग करने की जरूरत नहीं है, और इसको इसी के साथ नीचे रख दीजिएगा, ठीक है। अब इसमें बारी आती है कि मेरे पास अगर दो अटैचमेंट हुआ, तो जैसे मुझे डीडी को भी भेजना है और मुझे भेजना है एक और अटैचमेंट गूगल ड्राइव में, देखता हूँ इसी ड्राइव में, बाहर भी हो सकता है, ये हमारा व्हाट्सएप वाला जो है whatsapp.xlsmb, इसको भी भेजना है, तो मैंने क्या किया यहाँ पे दो, इसको कॉपी कीजिए, इसको कॉपी कीजिए और इसको दो बार पेस्ट कर दीजिए, जितना अटैचमेंट उतना बार इसको पेस्ट करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा, कॉमा करके नहीं डाल सकते, यहाँ पे व्हाट्सएप और एक्सलेस एम हो जाएगा यहाँ पे एक्सटेंशन, क्योंकि हमारा एक्सटेंशन एम है। एक बार भेजता हूँ, आ गया, अब मेल पे जाके देखेगा कि इसने दो अटैचमेंट रखा हुआ है, ये आउटबॉक्स में भरा है क्या, हाँ आया ना, देखा, दो अटैचमेंट में भरा हुआ है, ऐसे मल्टीपल अटैचमेंट के लिए आप डॉट अटैच कर सकते हैं। सर अब तक अपन एक्सेल और पीडीएफ भेजा है, लेकिन कोई जिप फोल्डर भेज सकते हैं, पॉसिबल है, इसके अंदर जो भी डालना चाहे डाल सकते हैं। ओके, तो एक जिप फोल्डर का जरा बता सकते हैं प्लीज, बस इसके एक्सटेंशन होना चाहिए ना, इससे मतलब नहीं कि एक्सेल भेजो चाहे जिप भेजो, कुछ भी भेज सकते हैं, इसका पाथ दो आप। ओके, लेकिन आगे आप एक्सेल एस और पीडीएफ ऐसा लिखते हो ना, तो जिप में क्या, जिप का एक्सटेंशन जिप होता है ना, देखिए जैसे मैंने यहाँ पे मान लीजिए कि सेंड टू हमने कंप्रेस जिप कर दिया ना डेटा वन को, राइट, तो इसका जो एक्सटेंशन हो गया वो एक्सटेंशन हो गया जिप, ठीक है ना, डॉट जिप, ओके। तो अगर मैं इसको प्रॉपर्टीज में जाता हूँ, इसका पाथ लेता हूँ, चलिए आपको बता रहे हैं तो बोलना है तो मैं बता ही देता हूँ, यहाँ पे मान लीजिए कि हमने ये पाथ दे दिया यहाँ पे व्हाट्सएप को, इसको हटा देता हूँ, ये हमारा था डेटा वन डॉट जिप, ठीक है, और इसको आप आसानी से भेज सकते हैं, फोल्डर नहीं भेज सकते बट जिप को भेज सकते हैं, ओके सर, देखिए आ गया, क्लियर है सर। और एक क्वेश्चन पूछिए, हेलो, अगला हेलो बोलिए सर, सुन रहा हूँ। अच्छा, ये सीसी में मुझे चार पांच ईमेल आईडी डालना है, तो कैसे डालेंगे? कॉमा कॉमा कर दीजिए,
ओके ठीक है। अब बात आती है कि मुझे पर्टिकुलर पूरी फाइल नहीं, मुझे एक पर्टिकुलर सीट को भेजना है। ओके मुझे एक सीट को हम इस मान लीजिए इसी सीट को भेजना है। यहाँ पे हम इस कुछ डेटा डाल देते हैं, मुझे इस डेटा को किसी एक ही सीट पे भेजना है, सिर्फ एक सीट को डेटा भेजना है, राइट सर। तो कैसे पूरी फाइल नहीं भेजनी है मुझे, तो सबसे पहले इसको फाइल के रूप में निकालना होगा। तो चलिए इसके लिए हम आपको मैक्रो बनाते हैं। सब्जेक्ट यहाँ पे सेंड इन वन अंडरस्कोर देते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम सीट वन डॉट कॉपी, राइट, सीट वन डॉट कॉपी विद एक्टिव वर्क बुक डॉट सेव एज, एक्टिव वर्क बुक डॉट बुक होगा बुक डॉट पाथ, या पाथ आपका कोई परमानेंट है क्योंकि इसको सेव करेंगे कुछ चाहिए ना सर। और फाइल का नेम, नेम अगर आपका कोई स्टैंडर्ड है तो दीजिए, वरना आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड कोई फिक्स नेम दे दीजिए तो सही रहेगा। यहाँ पे अरे मैं आज का डेट डाल देता हूँ, ठीक है ना। फॉर्मेट स्लैश फॉर्मेट और डेट देना पड़ेगा, डेट कॉमा डीडी स्लैश एमएम स्लैश एनवाई, और इसमें हम एक्सटेंशन ही देना पड़ेगा, एक्सटेंशन डॉट एक्सलेस एक्स। ओके उसके बाद आप यहां से जो कॉन्फ़िगर आप एक कर रहे हो यहां पे इसको एक्टिव वर्क उसके बाद आप ये जो दे रहे हैं जो चीजें कर रहे थे वो चीजें आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद ये आप लूप वगैरह सर इसमें एक चेंजेस कर सकते हैं, पॉसिबल है। अभी फिलहाल टू में अपन मल्टीपल ईमेल आईडी ले रहे हैं, तो सीसी में भी अगर मल्टीपल ईमेल आईडी पॉसिबल है क्या, क्योंकि रिपोर्टिंग आप डाल सकते हैं सीसी बीसीसी सब पे मल्टीपल आईडी डाल सकते हैं, 499 मिला ही डाल सकते हैं सर। सर कर दो ना इसमें एक जरा चेंजेस, सिंपल सा आप कॉमा लगा दीजिए ना, यहां पे बोलते ना इससे कॉमा लगा दीजिए। नहीं लेकिन वो सेम ईमेल आईडी नहीं रहेंगे ना। हां अलग कर सकते हैं, जैसे यहां पे दे दीजिए एक्सेल में चेंज करना पड़ेगा, आपने एक्सेल का जो डेटा डाला है ना। हां एक्सेल नहीं, जैसे आप इसको उठाया है ना सर, है ना मैंने, मान लीजिए चलिए दोनों मेल आईडी को मैं यहाँ पे रख देता हूँ इस तरह से, कॉमा दीजिए और यहाँ पे इसको उठा लीजिए। इतना सिंपल था, समझ में तो आना चाहिए सर आपको, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर ये तो बहुत आगे की चीज आप सीख रहे हैं, ऐसे मर्ज करना पड़ेगा आपको। ऐसे सीसी में कर सकते हो, ऐसे बीसीसी में कर सकते हो, तीसरा चाहिए तो यहाँ पे ऐसे ही आपका तीसरा का देना पड़ेगा। मेनू बिना कोडिंग का भी सीट चला जाता है क्या, एक पर्टिकुलर फाइल सीट एक सीट से अगर कोई मेल करना हो तो? नहीं सीट नहीं, आप पूरी फाइल भेज सकते बिना कोडिंग का, बिना कोडिंग का भी जाएगा नहीं, वो फाइल आपको आउटलुक को मेल कंपोज करके डाल देगा, बात करते हैं वो फिर करना पड़ेगा आपको। यहाँ शेयर में होता है यहाँ पे वर्क को अटैचमेंट करके भेज देता है, फाइल अटैचमेंट सीट नहीं जाती है, सिर्फ कोडिंग के बगैर नहीं होगा सर। ओके ओके समझ गए, यहाँ पे दो या तीन। हाँ यस सर डाउट तो नहीं है? नो सर।
तो इसमें आपने देख लिया कि एक एक सीट को कैसे भेज रहे हैं हम इसमें। अब यहाँ जो अटैचमेंट हमने फाइल ऐड किया है सब कुछ सेम रहेगा, और जो हमने यहाँ जो हम अटैचमेंट देंगे यहाँ पे इस यहाँ पे जो हम सेव किया, तो हमने यहाँ पे पाथ जो है ऑटोमेटिकली ले लिया है वर्कबुक डॉट एक्टिव वर्कबुक डॉट पाथ जो है इसको हम यहाँ से उठा लेते हैं और यहाँ इसमें डाल देते हैं। तो ये आपका फाइल आपका होगा। अब एक्टिव वर्कबुक पाथ मतलब कि जहाँ मेरी फाइल सेव है वहीं पर जाएगा, तो इसके लिए फाइल आपका सेव होना चाहिए, ठीक है ना। या फिर कोई पर्टिकुलर पाथ है आपका तो वो पाथ यहाँ पे डिक्लेयर कर दीजिए, वो आपका जाएगा। ओके, एक बार इसको ट्राई करके देखता हूँ। फाइल कौन एक्सेस दिया स्लैश लगा लेकर यहीं पे, वहाँ हाँ मेरी गलती है, मेरी गलती है, यहाँ पे ये होगा ना। हाँ मेरे फाइल सेव नहीं है, माफ कीजिएगा मेरी गलती है। हाँ मैंने जैसे बताया था आपको कि सेव फाइल पे जाता है, तो ये मेरा जिसमें मैं इंपोर्टिंग कर रहा हूँ ये फाइल मेरा सेव नहीं है, तो पहले मुझे इस फाइल को सेव करना पड़ेगा। मैं डॉक्यूमेंट में ही सेव कर देता हूँ आउट लूप। याद रखिएगा अगर आप एक्टिव वर्कबुक डॉट सेव लेते हैं तो आपका फाइल सेव होना चाहिए, अगर सेव नहीं है तो नहीं जाएगा। अभी पाथ चेंज होएगा ना सर, नीचे वाला आपका सेव करने के बाद सीट टू नई फाइल में जा रहा है, तो नई फाइल तो सेव नहीं ना है, एक्टिव वर्कबुक का पाथ नहीं ना है सर, तो यहाँ पे एक वेरिएबल लेना पड़ेगा डिम पी एड्रेस चेंज, और यहाँ पी इक्वल टू हम करेंगे एक्टिव वर्कबुक डॉट। यहाँ पे एक्टिव वर्कबुक की जगह पे हम पी ले लेंगे, अब चलेगा, और यहाँ भी जहाँ एक्टिव वर्कबुक है यहाँ भी हम पी को ले लेंगे। क्योंकि जब ये फाइल क्रिएट क्योंकि सीट को मूव करके एक नई फाइल में पेस्ट कर दे रहा है, बुक फोर बुक फाइव जो भी, वो भी तो सेव नहीं है ना सर, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। Optic does not require the one more name. ये बोला है कि आउटलुक डज नॉट एक्सेप्ट टू मोर देन वन नेम्स, मतलब कि दो ईमेल आईडी वो रिक्वायर नहीं कर रहा है।
सुजी सर रिकॉर्ड अलाउड कीजिए सर। सेवन में तो हम लोग भेजते थे बहुत सारे ईमेल आईडी। तो यहाँ पे एक चेंजिंग है कि एक साथ आप जो है कई सारे लोगों को मेल नहीं भेज सकते हैं, बट ये प्रॉब्लम ऑफिस 2365 में हुआ है, बट हम लोग इसमें तो भेजते थे बढ़िया। सर इसमें एक ऑप्शन कर सकते हैं अपन, जो एक्सेल में जो ईमेल आईडी डाले है ना, हाँ, उसमें सी कॉलम में सीसी वाले ईमेल आईडी डाल सकते हैं जो सिलेक्शन मोड पे। हाँ तो यहाँ पे तो बीसीसी में अलग, सीसी में अलग, इसमें तो अलग अलग तीन ईमेल आईडी डाली सकती है। हाँ हाँ तो यहाँ पे जैसे टू में हम दो लोगों को भेजना है, थ्री लोगों को भेजना है, वो ऐड नहीं हो रहा है, बट यस सर इसी कोट में आप सेमी कोलन लगा के सारी आईडीज ऐड कर दीजिए। नहीं सेमी कोलन तो लगा ही रखा था मैंने यहां पे। नो सर पहले ही वाले कोट में अलग से जाके कोट्स मत करिए, मतलब इसी कंटिन्यूएशन में आपने जो लिखा है kumar@iptindia.com उसी में कोलन लगा के आगे आप सारी आईडीज लिखिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि कंबाइन होने के बाद तो वही होगा ना जो आप बोल रहे हैं। ये जो आप बता रहे हैं ये थ्योरिकल तो नहीं कहता, क्योंकि थ्योरी ये कह रही है कि अगर कंबाइन होने के बाद आखिर होगा ऐसा ही ना। हम लोग फिलहाल अभी ये यूज कर रहे हैं सर, जो अभी आप मैंने बोला ना आपको, हम लोग जो फर्स्ट कट सैलरी रजिस्टर भेजते हैं ना तो मल्टीपल ऑपरेशन मैनेजर और एफएम भेजते हैं, तो ऑपरेशन मैनेजर को सीसी मार्क करते हैं और फैसिलिटी मैनेजर को। हां तो आप एक ही ईमेल आईडी ये भी चलेगा सर, ये जो आपने किया ये भी चलेगा, देखते हैं। मुझे तो इसके लिए एक काम और कर सकते हैं कि डीम टी एज ए स्ट्रिंग, अगर ऐसी दिक्कत है तो इस तरह से आप मान लीजिए ये तो चलो ठीक है, आप मैनुअल टाइप करना है तो उठा सकते हैं, लेकिन अगर आपको किसी रेंज से उठाना है तो टी असाइन करके और टी के ऊपर अपना जो लिखना चाहते हैं ना, वो जो मैंने कंकॉर्डेंस लगाया था वो लगा सकते हैं इसमें। तो किसी सीट को कैसे ईमेल भेजना है आपको पता चल गया, लेकिन इसमें प्रॉब्लम आप देख रहे हैं कि एक लोकेशन में आपका हमेशा वो फाइल सेव हो रहा है ना, तो लोकेशन आपको रखना पड़ेगा। ऑप्शन इसमें मेलिंग के लिए आता है, अब इसमें आता है कि क्या हम यहां पे एक से ज्यादा सीट भेज सकते हैं, समझे, क्या हम एक से ज्यादा सीट को मेल भेज सकते हैं, क्योंकि एक सीट तो हमने भेज लिया अलग करके, तो मान लीजिए जैसे अगर दो तीन सीट होता तो यहां पे सिंपल सी बात समझ जाइए कि अब एक से ज्यादा सीट को आपको यहां मूव करना सीखना होगा। तो मैंने कंट्रोल के साथ इसको सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके अगर मान लीजिए मूव एंड कॉपी और क्रिएट कॉपी कर दिया न्यू वर्कबुक में, एक नई फाइल में ये दोनों सीट या दोनों ये कॉपी होकर आ जा रहा है, देख रहे हैं। तो इसमें आपको क्या करना होगा, कोड क्या ऐड करना होगा, बस थोड़ा सा हल्का सा कोड इसमें ऐड करना होगा, जैसे कि ऊपर में वर्कबुक को सेव करें, यहाँ पे देख रहे होंगे कि सीट टू डॉट कॉपी दिख रहा है सर, तो इसमें आपको इसमें एक कोड लिखना पड़ेगा एक से ज्यादा शीट के लिए, कि यहाँ पे शीट्स और शीट्स में आपको देना होगा यहाँ एरे एरे, और उसके बाद जिस जिस सीट को भेजना है उस सीट का कैप्शन नेम यहाँ दे दीजिएगा सीट टू और नहीं हाँ सीट टू कॉमा टू ब्राइकेट स्पेस ब्राइकेट टू, इसको भी इन्वर्टेड कॉमा में, ठीक है, और उसके बाद आप इसको सिलेक्ट कीजिए और एरे को खत्म कीजिए डॉट मूव, ठीक है। तो मोर देन वन शीट को आप इस तरह से भेज सकते हैं।
बाकी सब चीज सेम है, क्लियर है। अब यहां पे एक बात और आ रही है कि मुझे एक पर्टिकुलर रेंज को भेजना है, तो मैं एक पर्टिकुलर रेंज को कैसे भेजू, बात समझ रहे हैं। हेलो, जैसे कि मैं चाहता हूं कि मुझे इस एक एरिया को एक फाइल में कॉपी पेस्ट करके भेज दिया जाए, एक एरिया में इसको कॉपी पेस्ट करके भेज दिया जाए, तो मेलिंग का जो चीज है वो सेम होगा, बट हमें फाइल अपने हिसाब से बनाना पड़ेगा। पायर्ड भी मार सकते हैं ना सर, पायर्ड टेबल वो फिल्टर करके वो डेटा सिलेक्टेड एरिया हो गया ना, सिलेक्शन एरिया, सिलेक्शन लेना पड़ेगा। ओके, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे बनाया, यहाँ पे दिया कि dim r as a range और set r equal to, आप क्या मान लीजिए सिलेक्ट करके करना चाहते हैं, मुझे इतना एरिया को भेजना है, तो यहाँ पे आप सिलेक्शन कर दीजिए, सिलेक्शन, ओके, सिलेक्शन, और उसके बाद यहाँ पे आप करेंगे var books dot add, एक नया वर्कबुक को क्रिएट करेंगे, या फिर आप क्रिएट करने में आपको दिक्कत हो रही है तो आप यहाँ पे सेट भी कर सकते हैं, यहाँ पे ये क्रिएट ही सही रहेगा, सिंपल रहेगा, वो एक है कोड और है लेकिन जो कि कॉम्प्लिकेटेड है, ऐड हो गया। फिर हम यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे हम करते हैं आर डॉट कॉपी, कॉपी डॉट रेंज, जहाँ पेज करना चाहते हो आप ए वन पे बी वन पे नई फाइल में, डॉट पेस्ट स्पेशल, पेस्ट वैल्यू है तो स्पेस देके वैल्यू कर दीजिए, और फिर एक्टिव वर्क बुक डॉट सेव एज, और सेव एज में पाथ जो है, जो पाथ हमने यहाँ पे दिया हुआ है इसी पाथ का इस्तेमाल करें आप, राइट। पी यहाँ पे मैं देता हूँ पी एज ए स्ट्रिंग, और यहाँ पी इक्वल टू एक्टिव, ये चीज कब करेंगे जब आपका पाथ, बस कोई और बात नहीं, जहां पे फाइल वहीं पर है वहां पे, लेकिन फाइल को सेव होना जरूरी होना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। ओके, अब यहां पे फाइल हमारा अटैच हो गया और मैं यहां पे एक्टिव वर्क बुक को क्लोज कर देता हूं, ट्रू मतलब कि सेव करते हुए, उसके बाद जो मेलिंग प्रोसीजर है आप अपना मेलिंग प्रोसीजर को शुरू कर लें, मेलिंग प्रोसीजर को शुरू कर लें, राइट, क्लियर है सर। एक बार इसको रन करके देख लेते क्या, आउट ऑफ सब्सक्राइबर आउट ऑफ रेंज, ये कहां आ गया, सर इसमें पहले एक सिलेक्शन भी तो करना होगा ना इसको रन करने के लिए, सिलेक्शन है हो गया, वो एक साथ दे दिया था ना कोड, इसलिए यहाँ तोड़ना पड़ेगा, सीट को सिलेक्ट करना पड़ेगा।
पड़ेगा और फिर पेज डिस्मिसल करना पड़ेगा. ओके ओके, तो फाइल आपका सही दी. अब एक बार चेक कर लीजिए कि सिलेक्टेड डेटा ही भेजा है क्या, भेजा है यहाँ पे. सिलेक्टेड डेटा को भेजा है तो ये हमने समझ लिया. अब मेलिंग में आगे आगे का रूप आता है कि मुझे मेल करना है एक सिलेक्टेड रेंज को मेल वर्डी के ऊपर पेस्ट करके, समझे. सर ये सिलेक्शन पहले करना पड़ेगा ना, मतलब. हाँ, रन करने से पहले जो आपका रेंज है. रेंज सिलेक्शंस को हमें मेल बॉडी के ऊपर होता है ना, कभी कभी हम रिपोर्ट करते हैं, कॉपी करते हैं और आउटलुक के मेल बॉडी पे हम पेस्ट कर देते हैं, तो हम उस मेल बॉडी के ऊपर पेस्ट करना चाहते हैं और भेजना चाहते हैं. ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक डेटा बना लेता हूँ, थ्री में एक रिपोर्ट बना लेता हूं, मान लीजिए हम फॉर्मेट कर लेते थोड़ा सा. और इस मेल बॉडी को हमने इसको सेलेक्ट किया और इसका नाम भी दे सकते हैं, नाम देना सही रहेगा. फॉर्मूला में जाके मैं डिफाइन नेम कर देता हूँ, या फिर कोई दिक्कत नहीं, नेम भी नहीं देंगे तो फिर भी दिखेगा, तो मैं यहाँ पे नाम डी डी कर देता हूँ. मैं इसको सिर्फ इसी से एरिया को हम भेजना चाहते हैं, सीट थ्री को जो है हम सिर्फ सीट थ्री को ही भेजना चाहते हैं. तो यहाँ पे हम सब्जेक्ट सेंड मेल बॉडी बाय क्लोजिंग क्लोज, और यहाँ पे हमें सबसे पहले आर इक्वल टू रेंज और यहां पे डी डी हो गया. तो यहां पे आपने सिलेक्शन लगा दिया राइट. इसके दो तरीके हैं. पहला तरीका जो ऊपर हमने दिया हुआ है, ये तरीका है पहला हमारा. तो हम इसको पेस्ट करता हूं और यहां से अटैचमेंट को हटा देता हूं. अटैचमेंट नहीं है ना, अटैचमेंट का. और यहां हमने मेल बॉडी जो है हमारा, मेल बॉडी में यहां रिगार्ड यहां पे हम दे देते हैं यहां पे मैसेज देता हूं
यहाँ पे हमें देना होगा रेंज टू एच टी एम एल, रेंज टू एच टी एम एल, और यहाँ पे हमें आर दे दिया। नहीं नहीं ये नहीं होगा, नहीं नहीं नहीं, फिर इसके लिए हमें एक फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा जो इसको एच टी एम एल में भेजेगा सर। गलत है, ये तरीका गलत है, तो लेंदी है, अभी आपको नहीं बता पाऊंगा मैं, क्योंकि मुझे यहाँ रेंज टू एचटीएमएल का एक फंक्शन क्रिएट करना होगा, मैं भूल गया था। एक एरिया दे सकते हैं, लेकिन मुझे इसमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें एक आता है एनेबल जो होता है मेल एनवलप, हाँ मेल एनवलप होता है, उसके उसके साथ भेजना होगा, वो बेटर रहेगा इसके लिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे विथ आर, डॉट पेरेंट, ध्यान रखिएगा इसकी, याद रखिएगा पेरेंट, पेरेंट क्या होता है, डॉट मेल एनवलप, पेरेंट के बाद आना चाहिए ना डॉट लगने, एम ए आई मेल लेकिन इससे पहले एक काम करना पड़ेगा, हाँ इससे लगाने से पहले हमें यहाँ देना पड़ेगा अपनी यहाँ पे एक्टिव, ये सब कोड में डेली यूज नहीं करता हूँ ना, थोड़ा सा दिमाग में जोर देना पड़ता है सर, एक्टिव वर्कबुक डॉट एनेबल एनेबल एनवलप होता है, आपको एक्सेल में ही आउटपुट खुल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे आर डॉट पेरेंट, आर तो पढ़े ही पेरेंट, डॉट पेरेंट डॉट मेल एनवलप, मेल ई एन वी ई एल ओ एल ओ पी ई मेल एनवलप, यहां पे देना है हमें विथ आइटम डॉट आइटम, एनवलप का आइटम, उसके बाद इसमें डालिए टू ईमेल आई दे दीजिए यहां पे, जो देना है आपको इन्वर्टर कॉमा में, और फिर यहाँ पे सीसी कर दीजिए, देना है दीजिए, नहीं देना है तो इसे देने की जरूरत नहीं है, ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, बीसीसी ब्लैंक छोड़ सकते हैं, इसमें अटैचमेंट नहीं भेज सकते, हाँ अटैचमेंट भी इसमें भेज सकते हैं, हाँ डॉट अटैचमेंट्स लगाएंगे तो अटैचमेंट भी आ जाता है, ठीक है, अटैचमेंट्स की जरूरत पड़ती नहीं है सर, हम मेल वर्डी पे ही पेस्ट कर रहे हैं ना डेटा। उसके बाद लास्ट में डॉट सेंड जरूर लगाइए, एंड बिथ, जब बिथ लगाया आपने उतना एंड करना पड़ेगा, और यहाँ पे आपको हमने दो बिथ लगाया, दो बिथ एंड करेंगे, और लास्ट में ये जो आपका चल रहा है
ये जो मैंने ट्रू किया था इसको फॉल्स कर दीजिए, जो भी है मैं दिखाऊंगा आपको कि कर कर हम डेवलपर में आते हैं, सेंड मेल बॉडी इसको सिलेक्ट करते हैं एंड रन करता हूँ। आर्गुमेंट नॉट ऑप्शनल, क्या हुआ यहाँ पे आउटलुक आपका खुल जाएगा। देखा आउटलुक खुल गया आपका और मेल भेज दिया गया। मेल बॉडी पे देखें जा रहा है, हाँ देखा सर। तो ये आपका आउटलुक को एक्सेल में ही खोल देता है और मेल भेज देता है आपका। ओके, और इससे पहले भी एक और तरीका है, उसके लिए आपको ये सीखना HTML की कोड आपको आने चाहिए। हम एक्सेल में HTML का कोड करेंगे और HTML का कोड करके हम एक HTML का फॉर्मेट तैयार करेंगे और फिर उसको भेजेंगे। थोड़ा सा लेंदी है तो आज मैं इसको कवर नहीं करूँगा, क्योंकि उसके लिए हमें इसमें अटैचमेंट भी जा सकता है ना। हाँ, डॉट नीचे डॉट अटैचमेंट डॉट ऐड ओके ठीक है। तो मेल करने का तरीका मैंने बताया, हम एक पर्टिकुलर फाइल को कैसे भेजेंगे राइट, उसके बाद हमने बताया आपको कि एक पर्टिकुलर सीट को कैसे भेजेंगे, एक से दस सीट को कैसे भेजेंगे और मेल बॉडी को अटैच करके कैसे भेजेंगे। तो आउटलुक के साथ मेल करना आपको समझ में आ गया। मान लीजिए कि आपको एक डिफरेंट डिफरेंट आईडी पे डिफरेंट डिफरेंट जैसे आपको जो है मान लीजिए कि आपके पास 1500 कस्टमर है, 1500 कस्टमर को बिल भेजना है। ओके सर, तो वो भी किया जा सकता है। चलिए ये हम आपको बताते हैं, इसके लिए मुझे एक इनवाइस का सैंपल लेना पड़ेगा, एक इनवाइस तैयार करना पड़ेगा। इसी में तैयार कर लेता हूं, क्यों ले रहा हूं, यहां पे एक काम करता हूं ना, ऐड यहां से हम टेम्पलेट ऐड कर लेते हैं और न्यू सीसी को ले लेते हैं। चलिए कंपनी का नेम यहाँ पर लिया तो आईपीटी ये हमारा कंपनी का एड्रेस है, एक इनवॉइस बना रहा हूँ सिंपल सा। यहाँ पे डेटा होगा इनवॉइस का, डेटा में यहाँ पे होगा आईडी, आईडी के बाद यहाँ पे होगा मेल और मेल के बाद होगा यहाँ पे प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के बाद होगा यहाँ पे क्वांटिटी और यहाँ पे रेट और यहाँ पे अमाउंट।
यहाँ पे नेम, नेम के यहाँ पे मैं यहाँ पे देखिए आपका नेम डाला हुआ है, तो यहाँ पे जनरली सी बात है हम वी लुकअप लगा लेंगे ना सर, ए से बनते आई डी करके इक्वल वी लुकअप, इसको हमने सेलेक्ट किया, डेटा में गए और इसको सेलेक्ट कर लिया कॉमा टू कॉमा जीरो, उसके बाद कंपनी सेम आ जाएगा यहाँ पे एड्रेस डालने की इज्जत आप लोग भी डाल सकते हैं, फिलहाल मैं इसको हटा देता हूँ, टाइम ज़्यादा ना खाए इसलिए। उसके बाद उसके बाद यहाँ पे आता है प्रोडक्ट, तो डिस्क्रिप्शंस में मैं यहाँ पे वी लुकअप लगा देता हूँ और यहाँ पे थ्री कर देता हूँ, यहाँ पे बाकी सब में ऑटोमेटिक आ गया, इसको डिलीट कर दीजिए। यहाँ पे आपका क्वांटिटी, यहाँ पे आपका क्वांटिटी है, करते हैं और थ्री की जगह पे फोर करते हैं, क्वांटिटी आ गया, रेट के लिए भी सेम, फाइव करेंगे और अमाउंट क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय रेट हो जाएगा। सिंपल सा फॉर्मेट हमने तैयार किया। चलिए तो एक मिनट में यहाँ पे क्यों इसमें लगा दिया फॉर्मेट, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए हैं और ये जो नीचे फालतू में आ रहा है इसको डिलीट कर देता हूँ। अब यहाँ पे डेटा देते हैं आईडी वन नेम पूजा, रैम कितनी लगा देता हूँ, अब आपके सामने एक छोटा सैंपल है। तो अभी क्या है कि मेरा इनवॉइस है, तो जैसे मैं यहाँ पे दो दादाओं को दूसरा बिलाया जाता है, तो मैं चाहता हूँ कि इसको जो है पीडीएफ फॉर्मेट बना के और बाकी सबको भेजना है, समझे, पीडीएफ फॉर्मेट बना के और हम अपने क्लाइंट को भेजना है, और यहाँ पे मैं ईमेल आईडी दे देता हूँ, ईमेल और ईमेल में ये तीन ईमेल आईडी लिखते हैं, इसको इसी को रिपीट कर देता हूँ, इन सब पे भेजना है। तो प्रॉब्लम समझ में आ गया आप लोगों को क्या करना है, तो हमें इस बिल को भेजना है सर। सबसे पहले जो बिल है ये बिल पीडीएफ फॉर्मेट में कैसे जाएगा ये पता करना है, तो इसको रिकॉर्डिंग माइक्रो करके भी आप कर सकते हैं, जैसे कि हम इसको एक्सपोर्ट करते हैं यहाँ पे सेव एज और यहाँ पे सेव एज मान लीजिए मैं यहाँ पे वन कर दिया और इसका एक्सटेंशन मैं यहाँ से दे देता हूँ पीडीएफ।
और ये हमारा हो जाएगा लोकेशन, कि हमें लोकेशन कहाँ डालना है इसको। तो ब्राउज पे आता हूँ और यहाँ हम डाउनलोड में नहीं करते, एक फोल्डर दे देते हैं, डाउनलोड में ही फोल्डर एक बना देते हैं, एक ईस्ट फोल्डर बना देते हैं। टू थाउजेंड ट्वेंटी है ना, इसी वन नाम का फोल्डर, इसी में इसी के अंदर जाएगा। और यहाँ ऑप्शन में यहाँ पे एक्टिव सीट सेलेक्ट है, यहाँ पे एक्टिव सीट सेलेक्ट होना चाहिए, एंड सेव कर दिया। ये हो गया, तो इसको स्टॉप। हाँ, इसमें एक दिक्कत हो गई, हमने उस पर चेकबॉक्स पे क्लिक नहीं किया था कि वेन द क्रिएट पीडीएफ ओपन द फाइल। तो यहाँ डेवलपर में आते हैं, विजुअल बेसिक में, और इसमें देखिए कोड इसका है। यहाँ पे ये रहा एक्टिव पीडीएफ, आपका फॉर्मेट फाइल नेम पीडीएफ क्वालिटी इंक्लूड प्रॉपर्टी ट्रू, इग्नोर इंटीरियर ट्रू, पब्लिश ओपन बिफोर ओपन आफ्टर पब्लिश ट्रू की जगह पे यहाँ पे फॉल्स कर दीजिए, ताकि वो फाइल पड़ा फाइल ओपन ना हो। ये हमारा कोड आ गया इसको करने के लिए, इसके लिए कोड लिखना पड़ेगा ना पहले। तो यहाँ पे सब्जेक्ट सेंड पीडीएफ के नाम से हमने यहाँ पे दिया हुआ है पीडीएफ, और यहाँ पे हमने क्या किया, लूप लगाएंगे फोर आई इक्वल टू चले टू टू, और उसको आप डायनेमिक भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं डायनेमिक नहीं कर रहा हूँ, फिलहाल मैं यहाँ पे कर रहा हूँ सी टू से लेके ट्वेल्व तक, टू से लेके ट्वेल्व तक चले, एलेवन तक, सॉरी एलेवन तक। और उसके बाद हमने बोला और रेंज में आपका यहाँ बिल के अंदर जो रेंज है, रेंज में ए सेवन, जहाँ पे आपको लिखना है अपना कोड, डॉट वैल्यू इक्वल टू सीड्स, सीड्स के अंदर डेटा है ना, डेटा सीड्स है, डेटा और रेंज ए के साथ कंबाइन होगा आई डॉट वैल्यू, वहां पे फिट करेगा, फिल करेगा, फिल करने के बाद फाइल को सेव एज करेगा पीडीएफ फॉर्मेट में। ओके, ये पीडीएफ फॉर्मेट में जो फाइल सेव हो जाएगी हमारी, फिल करने के बाद सेव कर देगा, और सेव करने के बाद उसके बाद जो है लूप से बाहर हम कनेक्ट कर एक बनाते हैं सेंड करने का, मेल सेंड करने का होता है, कोड हम इसी ऊपर कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे इसको यहाँ रखते हैं, लूप ऊपर रखें इसमें रखेंगे, तो पहले हम पीडीएफ फाइल को सेव करेंगे, पीडीएफ में सेव करेंगे, फिर मेल आइटम कंपोज करेंगे, मेल में आई डालेंगे, यहाँ पे मेल आईडी जो है वो मेल आईडी हमारे जो हमारा नंबर है ये इसी आना चाहिए, मतलब कि डेटा शीट का आना चाहिए। कॉपी पेस्ट, और यहाँ पे ए के जगह पे हो जाएगा जी, जी
ओके। और अब यहाँ पे फाइल को, और यहाँ पे देखिए एफ में सेव हो रहा है, अब वन डॉट पी डी एफ में सेव हुआ है। तो यहाँ पे हमें कोड देना होगा फाइल, ये जो हमारा फाइल का जो इनवॉइस नंबर है वो यहाँ पे आएगा, इनवॉइस नेम सेम करेंगे तभी तो उसी हिसाब से अटैचमेंट उठा लेगा वो, वरना फिर नेम एक एक करके नाम देना तो मुश्किल हो जाएगा ना। और यहाँ पे भी सेम हमने लाइब्रेरी ले लिया, और यहाँ पे भी हम जो पाथ ये डाल रहे हैं सेम यही पाथ डाल देंगे जहाँ से फाइल को उठा लेगा अटैचमेंट को। ओके, और एंड विथ, और इसके बाद हम यहाँ पे करेंगे सेट मेल इक्वल टू नथिंग, और फिर यहाँ पे नेक्स्ट आ। मेरे हिसाब से ये वर्क करना चाहिए, देखते हैं क्या चेहरा होता है तो हम उसमें देखते हैं। जा रहा है, एक बार फोल्डर ये देखते हैं, फोल्डर अपना ये फाइल क्रिएट हो रही है कि नहीं हो रही है। एफ फोल्डर में 2019 के 20 में था क्या, 20 में एक मिनट देख रहे हैं फाइल क्रिएट हो गया। और उसके बाद अगर हम आउटलुक पे जाके देखें सेंड में, तो पीडीएफ फाइल अटैच्ड है, हर पीडीएफ फाइल का नाम अलग है, और देखेंगे तो सबका ये भी अलग होगा। ओपन करते हैं इसको, इसमें देखिए मोहन का है अमाउंट, उस मोहन के अमाउंट है, और ऊपर देखेंगे यहाँ पे तो आपका ये आपका ओम का है और ओम का अमाउंट, ठीक है। तो आपको इसमें क्या करना है, अगर इस तरह की चीज़ें करते हैं तो सबसे पहले तो आपको एक फॉर्मेट तैयार करना है, जो भी आप पीडीएफ में भेजना चाहते हैं वो फॉर्मेट आपको तैयार करना है, फिर उसका डेटा तैयार करना है, और फिर फॉर्मेट में जहाँ जहाँ जो डेटा चाहिए वीलुकअप के माध्यम से आप डाल दीजिए, और एक आईडी यूनिक रखिए जो कि वीवी इस पे आईडी डालेगा और एक पूरा डेटा चेंज हो जाएगा। और फिर इस कोड को मेनटेन कीजिए, सबसे पहले तो आप यहाँ पर लूप लगाइए, उसके बाद आईडी को डालिए वीवी के थ्रू, फाइल को पीडीएफ में सेव कीजिए, फिर आप मेल को क्रिएट कीजिए और जो आईडी से सेव आपने अटैच किया उसी में भेज दीजिए। समझ में आ गया आप लोगों को, किसी को डाउट है? नो सर। तो आज की क्लास में यहीं पे फिनिश करता हूँ।